जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? जी सब खैर, आप बताएं। थैंक यू फॉर लेटिंग मी जॉइन दिस मीटिंग। जी बोलिए। मुझे ये पूछना है कि ये मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, जी। और मुझे एक्स मुस्लिम से ये पूछना है कि आप क्या गेन करेंगे इस्लाम को छोड़ के, मतलब मेन मेन पर्पसेस क्या हैं, मेन चीज आप पूछ रहे हैं? मेन पर्पस क्या है इस्लाम छोड़ने का? हाँ, मतलब किस चीज से आपको आजादी, या कौन सी ऐसी चीज जो आपको बहुत तंग कर रही थी और इधर आपको अब तंग नहीं कर रही है? मैम, आपको क्या हर एक इंसान से ये क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी का नाम लेकर टारगेटेड किसी को? नहीं, ये एक मतलब सबसे जनरल सबसे पूछना है मुझे। जी। तो आजाद सर, आप बताइए। आजाद जी। हाँ जी बोलिए। ये मैम है सबरीन मैम, ये पूछ रही है कि आपको इस्लाम छोड़कर आपने क्यों छोड़ा और आपका लाइक पर्पस क्या है ये सब करने का, क्या आपको मिल रहा है इस्लाम छोड़कर? जी, मैंने इस्लाम छोड़ने के बाद जिंदगी के मकसद को पाया है। इस्लाम छोड़ने के बाद बहुत कुछ पाया है, इंसानियत पाया है, एक देश और देश से मोहब्बत पाया है। इस्लाम छोड़ने के बाद ही सारी चीज पा सका है। जब तक इस्लाम में था, सिवा जन्नत के और जहन्नुम से बचने के और अपने खुद के लिए, अकेले के लिए सवाब कमाने की, मेरे पास था ही नहीं कुछ कि मैं वहां के लिए सारी नेकियां समेटूं जहां कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब इस्लाम छोड़ा तो मैं यहाँ के लिए बहुत कुछ करने के लिए आजाद हूँ कि जहां हर कोई किसी की मदद करना चाहता है। वेरी गुड। कोराम सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक मिनट मैम, कोराम सर आप कुछ ऐड कीजिए। मैं गालिब का वो शेर ही पढ़ देता हूँ, साथ में ना रहे ना मैं वो अंगबिन की लाग, दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। ये एक ऐसी चीज है कि हमको हमेशा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहता खुदा के बारे में, कि भाई हमको इस दुनिया में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट इस दुनिया के बाहर रहने वाला है। तो दुनिया गई तेल लेने, ये एक हमारा एक प्रॉब्लम होता है कि एनवायरनमेंट का हमको कोई चिंता नहीं है, हमको दुनिया के निजाम की कोई चिंता नहीं है। हमारा सीधा सीधा एक ही चाहिए, भाई अपनी नमाज पढ़ो, सलात पढ़ो, घर को देखो और टिकट टू हेवन। ये एक प्रॉब्लम है और यही चीज ये बोलता है कि भाई आपको एटर्नल ब्लिस, ये एटर्नल ब्लिस से मुझे मेजर प्रॉब्लम था कि जन्नत में जो एटर्नल ब्लिस है, दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड डिसगस्टिंग थिंग मेरे लिए। क्योंकि मुझे वो आल्डस हक्सली का एक कोट मुझे याद आता है, उसने बोला कि an intellectual person is the one who has found something more interesting than sex. आप इस्लाम को अगर देखेंगे तो शलवार से तलवार से शुरू होता है, शलवार पे खत्म होता है, सारी बातें उस पर ही रहती है। जन्नत की हूर 132 फुट की है, सारी चीजें जो खराबा करके डाले, ये टेम्पररी टाइम। क्योंकि देखिए, जिंदगी में आप किसी चीज की अगर वैल्यू करते हैं, वो अगर आपके सामने इटर्नल होगी ना तो वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी। आप मुझे कितनी भी बड़ी जन्नत की फिरदौस, जन्नत फिरदौस की चीज दे दो, मेरे लिए दो कौड़ी की इज्जत नहीं। अगर वो इटर्नल है तो वो चीज टेम्पररी रहेगी तो उसकी वैल्यू रहेगी। एक जमाना था, एक चार पांच छह सात साल पहले मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा था, एक साल का था, वो जो गोद में मैं उसको बिठा के लेके जाता हूँ था और उसको गोद में बिठा के मैं खिलाता था, दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर मी। वो टाइम कभी आने वाला नहीं है, वो प्रेशियस मोमेंट को मैं एंजॉय कर सक रहा हूँ जब से इस घटिया और गंदी आइडियोलॉजी को छोड़कर। इससे वाहियात आइडियोलॉजी मैं दुनिया में कहीं नहीं है, और मैं इसको आफ्टर कम्युनिज्म बोलूंगा। कम्युनिज्म को तो मैं इससे भी घटिया बोलता हूँ जिसमें तो एथिज्म भी है, मैं कम्युनिज्म को तो इस्लाम से भी घटिया बोलता हूँ। तो इस्लाम और कम्युनिज्म से घटिया आइडियोलॉजी इस दुनिया में कभी नहीं आई होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं कोई बहुत स्टॉन्च किस्म की मुस्लिम नहीं हूँ, मुझे भी बहुत से इतराज आते हैं। एक बात मैं बता दूं मैडम, कि हम लोग एक चीज वाजे कर देंगे, हम पर अक्सर ये इल्जाम लगते हैं, हम लोग मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, हमको इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मुस्लिम्स हमारे लिए इंसान है, हमारे भाई बहन जैसे ही।
हाँ मतलब आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है या जी, जस्ट अगेंस्ट द आईडी, वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल, हाँ पीपल आर बिल्कुल आर बिल्कुल आर लाइक पीपल, यू हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग्स वेदर दे आर मुस्लिम हिंदूज एनीबॉडी, रिस्पेक्ट पीपल आइडियोलॉजी की बात हो बट रही है क्रिटिसाइज द बिल्कुल, आइडियोलॉजी। हाँ मैं भी आइडियोलॉजी की ही बात कर रही हूँ जी। मैं कोराम सर, जुबेर अहमद सर से एक बात कहूंगा, किसी की कोई चीज छीनना अच्छी बात नहीं है, इन्होंने हमारी मुंह की बात छीन ली है। ये सवाल हमारे तरफ से भी बार बार होता है, आप लोग बहुत खुशफहमी के शिकार हो, ये हमारी बात क्यों छीन लिए सर, किसी की बात छीनना अच्छी बात नहीं है। खैर मैं हमारी जो न्यू कॉलर्स आए हैं सबरीन मैडम, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको स्पेशल कोई सा ऐसा पर्टिकुलर नाम लेके बताइए कि जन्नत में आपको कौन सी नियामतें दी जाएंगी। अच्छा देखिए, मेरा जो इस्लाम है या मेरा इस्लाम का अकीदा थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अ टिपिकल मुस्लिम जी, ठीक है। अब इस्लाम में भी बहुत से सेक्ट्स बने हुए हैं, सुन्नी शिया तो दो मेन मुझे पता है, कादियानी या जो भी, पांच छह बने हुए हैं, ठीक है ना, हर एक के अपने अपने अकीदे थोड़े थोड़े वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो आपका क्या मानना है? हाँ मेरा मेरा ये मानना है कि ये एक सिस्टम है जो कि बेसिकली एक उन्होंने सिस्टम दिया इस दुनिया में रहने का, जिसमें फैमिली सिस्टम है, सोसाइटी का उन्होंने सिस्टम बनाया संभालने का सारा कुछ, उसको फिर बाद में बहुत बुरी तरह से चेंज किया गया, मैनिपुलेट किया गया और अपने अपने मफाद के लिए उसमें पॉइंट्स डाले गए और डिलीट किए। जबकि इसको अगर हम देखें तो इसमें बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, और वो अच्छी बातें अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं, मतलब आपको भी पता होंगी कोई नई बातें नहीं है, वो बहुत सी अच्छी बातें भी हैं जो कि हम जब हम एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, मैं भी शायद एक्स मुस्लिम बनने वाली हूँ या बन चुकी हूँ या ट्रांजिशनल फेज में हूँ, फिर भी हम उन अच्छी बातों को मिस करते हैं जो इस सिस्टम में हैं, इस्लाम जो हमें बाहर वाले किसी सिस्टम में नहीं मिलती है। तो मैम आप सोचे, आपको आपके अच्छी बातें हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है इस्लाम में, ये काफी अच्छी बात है आपकी तरफ से, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे जो नबी थे उनका जो, अगर आप अच्छे से सही बुखारी पढ़े या मुस्लिम पढ़े और जो बाकी चार हदीस की किताबें हैं अगर वो आप थोड़े से गौर फरमा के पढ़े तो मेरे तरफ से तो मुझे उनमें एक भी अच्छी बात नहीं दिखी। तो एकदम स्टार्टिंग का जो है, जो एक उन्होंने आयशा एक छोटी बच्ची के साथ निकाह किया, उनका मेरे मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो रेप था, तो उनका मोलेस्ट किया गया आयशा का, तो ये किस तरफ से एक सोसाइटी को अच्छा करने के लिए या सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ये एप्लीकेबल है, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली कोई भी एक बच्चे को शादी करना उसके साथ बिफोर प्यूबर्टी वो भी सही नहीं बात लगती है, तो इसमें आपका क्या राय है? इसमें सच्ची बात है मैं कोई बहुत बड़ी आलिमा नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है यस हुआ था इस तरह जी, मे भी हुआ भी हो, जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि अच्छी बात नहीं है डेफिनेटली, इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बहुत ही मतलब मजम्मत के काबिल है ये जो एक्ट है। बिल्कुल। तो मैम एक औरत टू औरत जब आप खुद अपने अंदर की आवाज से बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, हाँ। ये जो इंसान जो करता है उसके उसके आप उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा बेसिकली, आई होप सो, बट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मेरा मेरा ख्याल ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हम उस इस्लाम में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लेके आ रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी में लाइकेबल हैं, जैसे आपने आयशा की बात की, वो लाइकेबल एक्ट नहीं है तो वो एक्ट अब नहीं होता। ये अगर गलत होता है, ये सुनिए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें बात करने दीजिए, मोहतरमा को बात करने दीजिए। जी जी, अव्वल तो जो सही इस्लाम के मतलब जो फॉलो करते हैं वो नहीं एक्ट करते, और अगर करते हैं
तो जो एक अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, जो जरा भी सेंसिबल लोग हैं, वो इस चीज को पसंद नहीं करते। मैं अभी तो सीधे की आप बात करूंगी, जी मुझे जी बिल्कुल सही बात थोड़ा है। सा ठीक है, थोड़ा सा मुझे मुझे मैं मुझे प्लीज जी लेट जी मी फिनिश, लेट मी जी फिनिश। जी जी इसी तरह अब जो अच्छी बातें जो हमें पसंद हैं, कि जो वाकई हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत फायदेमंद हैं, वो हम उस चीज को सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स में वो चीजें मेंटेन करने के लिए हम ये क्यों नहीं कर सकते कि तो अपने हम इसी क्यों में नहीं रहें, कर अब सकते? हाँ, जी कि जी हम उसी 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 मतलब सिस्टम में रहें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप इंडिया में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, हम बहुत मुश्किल आते हैं हमारे अपने अपने कंट्रीज में, हम फिर भागते हैं इंग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल तो जो हम चले जाते हैं इंग्लैंड में, हम उनको कहते हैं देखो जी भाग गए, अपनी धरती माँ के लिए इनको काम करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। तो हम अपनी धरती माँ के लिए काम क्यों नहीं करते? नहीं मैम, मैम मैम आपका दावा हो रहा है कि हम लोग अच्छा, इस्लाम को रिफॉर्म मेरी कर बात सकते अभी हैं। अभी एक मिनट, आई एम सॉरी, एक नहीं बात बस मेरी अभी छोटी सी बात, छोटी जी। मतलब बहुत काफी छोटी बात है ये। आप इस्लाम खुद बोलता है कि आप ये चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द अच्छा बेस्ट वे टू लिव फॉर द इंटायर इटर्निटी। अच्छा इवन मैं एक मोहम्मद बात इज द दूं? एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ मैम हाँ प्लीज। हाँ जी। इवन मोहम्मद इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंटायर इंटायर वर्ल्ड, हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो जब मोहम्मद खुद एक बच्ची को शादी कर रहा है तो वो कैसे अच्छे नहीं हुए, और अगर कोई उनको फॉलो कर रहा है तो वो कैसे अच्छे मुसलमान नहीं हुए, क्योंकि वो एकदम अपने नबी को फॉलो कर रहे हैं। और आप बोलना चाहते हैं कि प्रोग्रेस करना चाहिए इसके साथ, तो नबी से, तो आप बोलना चाहते हैं कि अभी जो इंसान है, अभी जो मुस्लिम है, वो नबी से बेटर इंसान है, वो अपने मोरालिटी इज बेटर देन नबी। समथिंग बोलिए लाइक दैट, यस। अच्छा, इसका तो मेरे पास आप सोल्यूशन, मानते हैं? नहीं मैं नहीं ये आप सोचती मानते हूँ हैं? जी, उसमें। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जैसे मेरे जहन में जो एक पॉइंट है, जैसे पाकिस्तान की मैं मिसाल दूंगी, इंडिया की मुझे कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान में अब उन्होंने वो जो रेप है उसकी डेफिनेशन आई थिंक उन्होंने चेंज कर दी है। इस्लाम में क्या डेफिनेशन थी कि जी चार गवाह होने चाहिए फिर रेप का जो है ना वो साबित होगा और उसकी सजा मिलेगी, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने अब लॉ चेंज किया है पाकिस्तान में, उन्होंने अब चार गवाह जरूरी नहीं है, वो एविडेंस दूसरे तरीके से देखते हैं और सजा देते हैं, हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो वो फिर इस्लाम के उस पॉइंट से तो निकल गए ना, इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई? लेकिन आपके खुद के कुरान और हदीस में मुझे कहा गया है मुझे आप कि ये इसको, बताइए, इसको एक छोटा सा पॉइंट मैं सब्जेक्ट रखूंगा, एक छोटा सा नहीं पॉइंट मैं रखूंगा कि आपने कहा। बड़ी अच्छी बात किया मोहतरमा कि उन्होंने चेंज किया। तो किसने चेंज किया? लोगों ने चेंज किया, हाँ लोगों ने चेंज किया ना। तो हाँ लोगों हाँ ने कैसे यस चेंज किया? इस्लाम पढ़ के थोड़ी चेंज किया उन्होंने, तो दुनिया के उलूम पढ़ के चेंज किया ना। तो इसमें तो बिल्कुल इस्लाम का बिल्कुल, तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। मोरालिटी तो इस्लाम हम का भी तो यही चाह रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, हम इस्लाम भी का एग्जैक्टली यही। कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप और हम बिल्कुल एक ही रास्ते पे हैं, एक ही रास्ते पे, एक ही कश्ती में। आप बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं, मैं भी लेकिन एग्जैक्टली यही बात बोल रहा हूँ कि भाई इस्लाम का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो वहां के लोग हैं, वहां के हुक्मरान हैं, वहां के दानिशमंद लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर का उलूम पढ़ा है और फिर उस पर इंफ्लुएंस होके उन्होंने अपनी सोसाइटी में चेंज लाया है। तो इसमें तो इस्लाम का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, हाँ इसलिए तो हम आइडियोलॉजी को हम क्रिटिसाइज करें और ऐसे दानिशमंद लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, वो आइडेंटिटी वाइज अगर वो अपने आप को मुस्लिम भी बोलते हो तो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, जब तक वो अपने सही रास्ते पे है और कुछ सोसाइटी के लिए भला करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक्स मुस्लिम बन गए तो हम तुरम खां बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम में भी बहुत सारे फ्लॉज है और कुछ तो ऐसे भी हमारे एक्स मुस्लिम है जो शायद एक्स मुस्लिम ना होते तो अच्छा था। हमारे में भी एग्जैक्टली बहुत सारे गलत लोग हैं, कुछ अच्छे भी मुसलमान हैं, हर जगह अच्छे मुझे हर ऐसा जगह अच्छे है, कुछ हर 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 बुरे जगह लोग बिल्कुल रहते हैं, पर पॉइंट यहाँ पे कुरान ये है कि इस्लाम कुछ नहीं है इसमें पॉइंट। हाँ सर, ये देखिए आपके दोनों की बातें सुनने के बाद एक कमेंट आया है, बड़ा दिलचस्प है। मोहम्मद वसीम इकबाल, फोर विटनेस आर बेटर देन डीएनए एविडेंस। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बहन ने अभी कहा है कि चेंजेस आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट किया है, और इससे पहले स्टार्ट में एक बात बहुत अच्छी कही थी, इस्लाम में अच्छी बातें भी है कहीं कहीं कुछ कुछ,
तो इसका मतलब शी इज एग्री के गलत बात भी है उसमें। हाँ बिल्कुल है, हाँ डेफिनेटली है। तो ठीक है, फिर हमारा भी और आपका भी एक ही मानना है। हमने ऐसा नहीं कहा कि इसमें एक भी बात अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई आइडियोलॉजी, ऐसा कोई फेथ वर्ल्ड में नहीं है जिसमें अच्छी बात ना हो। तो इसमें स्पेशल क्या है? अच्छा, इसमें जो स्पेशल मुझे लगता है, बाकी लोगों का भी जरूरी नहीं है कि आप एग्री करें, कि जो मुझे महसूस होता है, मैं वेस्ट में भी रही हूँ, आती जाती रहती हूँ, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि अल्टीमेटली अगर हम अपनी जनरेशन्स को मुस्लिम से एक्स मुस्लिम में कर देते हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर हम वेस्ट वाले में जा रहे हैं, जिसका कि उनका अंजाम भी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। वो भी कोई बहुत अच्छी वेस्ट में क्या कंडीशन में नहीं बुराई है, वो भी कोई है? ये बहुत गलत अच्छी है, कंडीशन में नहीं ये है। गलत यहाँ बात पर है, मैं मैं आपको सिवाय रोकूंगा। इसके, मैं बोलूँ, अच्छा, सिवाय इसके कि हाँ वो चांद पे पहुंचे, वो मरीख पे पहुंचे साइंटिफिकली तरक्की की, लेकिन अगर आप सोशली उनके सोसाइटी में देखें, हर दूसरा बंदा एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, क्योंकि माँ बाप, बहन भाई, औलाद की मोहब्बत खत्म हो गई, वहाँ फैमिली सिस्टम नहीं है, वहाँ सुइसाइडल रेट इतना ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, वहाँ माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सोशल चीजें जो हैं ये बात गलत वो है, नहीं, आई मीन जनरली बिल्कुल होती है, यहाँ भी ठीक होती होंगी, है। अच्छी फैमिलीज भी हैं, अंग्रेजों में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं, लेकिन एक जनरल बात हो रही है कि एक जनरली क्या एक इंप्रेशन है या उनका क्या एटीट्यूड है। तो जनरली उनका क्या है कि 18 के बाद वो मतलब इंडिपेंडेंट, 18 से पहले ही हो जाते हैं, और फिर कहाँ के माँ बाप, कहाँ के बहन भाई, जबकि हमारे यहाँ अच्छा, मैं एक इस पे इंडिपेंडेंट एक वुमन। बात मैं हाँ एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं। आपने जो बताया वेस्ट के बारे में, देखिए हमारा जो ईस्ट में रहते हैं, दिस आई वुड इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, द एंटायर मिडल ईस्ट, इवन हाँ इंक्लूडिंग इवन सऊदी अरेबिया, के हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग के पास कोई डेटा नहीं रहता है साथ में। अब आप अगर एक चीज देंगे, जिना बिल जबर का एक ही बात कर लीजिए, तो ये जाकिर नायक जैसे लोग बोलते थे कि ये सऊदी अरब में सबसे कम होता है। नाउ द पॉइंट हियर इज हाउ मेनी आर रिपोर्टेड, हाउ मेनी, आई एम जस्ट एग्जैक्टली गिविंग एन एग्जांपल, हाउ मेनी आर रिपोर्टेड। हाँ बिल्कुल, तो मैं वहां बोल पे सही अगर बोल रही आप हूँ, रिपोर्ट होना शुरू हुए तो शायद वैसे 10 times ज्यादा मिलेंगे आपको केसेस, बिल्कुल सही है, एंड दिस इंक्लूड्स पाकिस्तान, इंडिया, एवरीवेयर वेयर देर इज एन इनहेरेंट मिसोजिनी, वो आपको मानना ही पड़ता। तो जो हाँ आप एंटी डिप्रेसेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वेस्ट में दे हैव एन ऑप्शन टू गो आउट एंड बाय एन एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट, एंड पीपल डोंट रियली फ्रोन अबाउट द आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ। पर बिल्कुल इधर इंडिया पाकिस्तान में इट्स इज अ टैबू। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ के महिलाएं, यहाँ की औरतें डिप्रेस नहीं है। यहाँ की महिलाएं 100 times नहीं, 1000 times ज्यादा डिप्रेस्ड है एंड डिप्राइव्ड है, और उनके बिल्कुल कोई हुकूक और राइट्स नहीं है। तो उनके और पास ना तो मैं ऑप्शन भी इसको, नहीं है कि वो जाके प्रोजैक कोई टैबलेट लेके खा के कम से कम दे फील रिलीव्ड। सो वी समटाइम्स यू नो वी ट्राई टू सुपर इम्पोज आर वर्ल्ड व्यू ऑन अ डिफरेंट एलियन कल्चर एंड ट्राई टू मेक जजमेंट्स अबाउट इट। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी प्रिपोस्टरस वे, आई मीन दैट इट डजंट मेक एनी सेंस व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर डेटा और नंबर्स, और मेरा ये मैम मानना। आपने सुसाइडल रेट का बात किया, तो डेफिनेटली सुसाइड इज नॉट अ जोक, तो मैं खुद से वेरीफाई करने गई हूँ, तो अभी तक मैंने जो वेरीफाई किया है, हाईएस्ट आर द अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पर सुसाइडल रेट हाईएस्ट है अभी, उसके बीच में तीन, आई थिंक दो या तीन अफ्रीकन कंट्रीज है टॉप में, उसके बाद साउथ कोरिया, फिनलैंड, जापान, डेनमार्क, देन यूनाइटेड स्टेट्स, हंगरी, कागिस्तान, स्लोवेनिया, लातविया, रशिया, एस्टोनिया। तो जो वेस्ट बोल रहे हैं, वेस्ट तो काफी पीछे है, ये तो अफ्रीकन स्टेट्स जो सुसाइडल रेट में अभी नंबर, एटलीस्ट तीन पोजीशन अफ्रीकन स्टेट्स है। तो लेकिन वेस्ट वेस्ट का जो, जो है नहीं, वो, एक बार, एक जी लास्ट थिंग, जो जी अगर भी, लेट्स अज्यूम, अगर भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, वो पिल्स ले रहे हैं, वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत हो रहा है उधर, तो इसमें भी क्या खराबी है? हाँ बिल्कुल और खराबी नहीं है, इसमें बिल्कुल बिल्कुल खराब क्या बिल्कुल इसमें कोई खराबी नहीं है। लेने में खराबी नहीं है, खराबी तो जो है वो उस स्टेज तक पहुंचने में है, कि वो उस स्टेज तक पहुंचते कैसे हैं। वो इसीलिए पहुंचते हैं, एक अगेन ये एक जनरल बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक की
या माइनॉरिटी की बात नहीं, ये जनरली मेरा ख्याल है कि जनरली यही ट्रेंड चल रहा है हमारे अगेन इस्लाम में। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा सिस्टम सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे। ये इस्लाम की जो खराबियां हैं वो पैदा ही इसीलिए हो रही हैं कि इसको ठीक तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। क्या हमने कर लिया इस्लाम में कि मौलवी को आगे कर दिया, हकूक अल्लाह को आगे कर दिया, नमाज रोजे को आगे कर दिया, लेकिन अच्छा, उसी मैं आपको सीधा पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछता हूँ। टेल मी हाउ इस्लाम विल हेल्प मी रिड्यूस डिप्रेशन। अगर कल को वेस्ट में हम लोग जो है इस्लाम फॉलो करते हैं तो क्या उससे डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? टेल मी फाइव डिफरेंट वेज वेयर इस्लाम कैन एक्चुअली हेल्प इन कर्बिंग दिस डिप्रेशन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, फाइव तो शायद मैं ना बता सकूं लेकिन जितनी जन में जी आएंगी बता मैं दे, जरूर बता दूंगी। जी ठीक बता है, दे। उसमें नंबर एक तो ये है कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो एक मॉडरेट किस्म का इस्लाम है, एक टिपिकल इस्लाम नहीं जिसमें आप घर में औरत को बंद करके रखेंगे, उसको बोलने ये नहीं तो आपका देंगे। सब्जेक्टिव व्यू हो जाएगा मैम, ये तो बिल्कुल सब्जेक्टिव व्यू हो जाएगा और मैम बिकॉज ये नो तो बडी विल दूसरे फॉलो रिलीजन दैट। में भी है, और ये हाँ दूसरे ये रिलीजन में भी ना है, तो नहीं, जो यूनिक मॉडरेट किस्म की बताए। फैमिलीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्लामिक उस पर नहीं चल रही हैं, उनके घरों में मतलब एक सही सिस्टम चल रहा है। अच्छा आपने पूछा कि डिप्रेशन को कैसे दूर करेगा, हाँ बट इट्स इट डिप्रेशन कैन का नॉट बी योर सब्जेक्टिव, इट हैज टू बी प्रॉपर डॉक्ट्राइन लेवल में बिकॉज इस्लाम इज अ मतलब वेरी डॉक्ट्राइनल रिलीजन। यू हैव टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली हदीस एंड कुरान एंड ऑल दीस थिंग्स बिकॉज आई कैन हाँ नॉट टेक योर वर्जन। आपका वर्जन आपकी जगह है भाई, ये कोई ओवरवेलमिंग मेजोरिटी का तो वर्जन नहीं हो सकता। आप अपने लिए अपनी हद तक आपका क्या वर्जन है दैट यू हैव ऑल द राइट टू 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 हैव, इम्पोज बट यू हैव टू स्पीक, बट यू हैव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ कुरान हदीस वगैरह में ये लिखे हुए, ये रेफरेंस लिखे हुए, इस बात पे आप चलोगे तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो हम देन लोग वी कैन एक्चुअली टॉक सोर्स डोंट जानना है कि आप कौन से सोर्स से ये ला रहे, तभी हम लोग इस्लाम को जी इम्पोज कर सकेंगे, वरना आपका तो आपका नाम का फिर इस्लाम हो जाएगा। तब ये क्या, आपका नाम जी क्या था, शबरीन, तो ये ठीक शबरीन रिलीजन हो जाएगा, ये इस्लाम नहीं रहेगा। है। अच्छा एक तो मैं कोराम बात सर, एक करूंगी मिनट है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये सुपर चैट ले जी। लेता हूँ। सबसे पहले ये कोराम सर आप देख लीजिए, वर्ल्ड फायर वाइल्ड फायर। अच्छा। द फैमिली सिस्टम शी इज टॉकिंग अबाउट इज भारतीय, नथिंग टू डू विद इस्लाम। शी वॉन्ट्स कल्चर बट नाउ द आइडेंटिटी। एक्चुअली दिस इज मेकिंग सेंस। व्हाट वाइल्ड फायर इज ट्राइंग टू से हियर इज दैट इस्लाम इज नॉट अ स्पेसिफिक कल्चर, इट्स लाइक अ डूज एंड डोंट्स। अब आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपका एक स्पेसिफिक कल्चर है। अगर आप यहाँ उठ से उठ के इंडोनेशिया चले जाओगे, जो बिल्कुल मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, पर उनका कल्चर आपका कल्चर बिल्कुल अलग रहेगा। आप केरला में आइए, केरला में भी 26% मुसलमान है इंडिया में, वहां का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो आप जो बोल रहे हैं वो कल्चर की बात बोल रहे हैं, आप रिलीजन की बात देखो यहाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं कल्चर की नहीं है, आप अगर वेस्ट में देखते हैं वहां भी जो इज मुस्लिम इस्लाम अ कल्चर? इज इस्लाम अ कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच वाइल्ड फायर जी, बट इज इस्लाम अ कल्चर? कैन यू से दैट, क्योंकि वी हैव टू डेल्व इनटू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नहीं, कल्चर तो नहीं कह सकते उसको। तो फिर इस्लाम अगर कल्चर नहीं है तो जो आप जो मैलेडीज बता रहे हैं वेस्टर्न कल्चर बोल के आप बता रहे हैं, आप वेस्टर्न कल्चर नहीं, बोल अगर के जब आप बता वेस्ट रहे में हैं। बोलते, जब आप वेस्ट में मुस्लिम्स को देखते हैं तो वो उसी तरह उन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में करते हैं, तो फिर उसको आप कल्चर तो नहीं कह सकते ना। नहीं, मैं तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर वेस्टर्न कल्चर पे अगर आप आ रहे हैं तो यू हैव टू से दैट यू नो, फिर आप एक ऑल्टरनेट या कल्चर की बात करिए, आप एक ऑल्टरनेट कल्चर की बात करें। हम नहीं बोल रहे कि वेस्टर्न कल्चर पूरा सही है या पूरा गलत है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप कल्चर टू कल्चर बात करें, नहीं क्योंकि तो ये इस्लाम इज गौरव देन बिकॉज इस्लाम इज देन अ भाई, रिलीजन। ये ओके कल्चर बहुत का जो इन्होंने लिखा था वाइल्ड फायर ने, बहुत परफेक्ट लिखा है। और अच्छा मैडम को लिखा। मैं पूछूंगा कि जो इसमें अरब अरब का फैमिली वैल्यू क्या है, वो इस्लाम की फैमिली वैल्यू है। जो चार शादी कर रहे हैं, लोंडियां रख रहे हैं, बिल्कुल पच्चीस पच्चीस बीस बीस हलाला बाईस बाईस हलाला बच्चे हो इज रहे हैं, हलाल। वो वहाँ कहाँ बच्चों को माँ बाप पाल रहे हैं ढंग से, बस वो तेल है तो अभी अच्छा पैसे हैं सर उनके पास में, बच्चों को खर्चा दे रहे सर हैं। मैम का पॉइंट सुन लेते हैं, वो क्या जी प्रिपेयर जी किए उनका भी सुन लेते, फिर हम लोग जवाब देंगे। मैम जी आप बिल्कुल बोलिए। हाँ, आपने कहा कि पांच तरीके डिप्रेशन कैसे दूर होगा, जी, तो इस्लाम का फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, उसको आप कल्चर नहीं कह सकते। वो फैमिली सिस्टम पाकिस्तान इंडिया में भी फॉलो किया जा रहा है, और मुस्लिम जहाँ जहाँ बैठे हैं वेस्ट में भी हैं, वहाँ भी वो इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फैमिली मैम आप सिस्टम को। एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या फैमिली स्ट्रक्चर है और कहाँ से आती है?
हाँ, फैमिली सिस्टम यही कि जी माँ बाप की रिस्पेक्ट, और माँ को वो क्या कहती हैं, जन्नत में कौन जाएगा, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ की इतनी रिस्पेक्ट, फिर बाप की रिस्पेक्ट। तो मैम आपको ये और किसने कहा, एक मिनट आपको ये किसने कहा कि ये वेस्टर्न कल्चर में नहीं है या वेस्टर्न रिलीजन में नहीं है? ये उसमें भी है, ये हिंदुजम में भी है, ये बुद्धिज्म में भी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन तो मैं मतलब वही ऐसा बात कर रही यूनिक हूँ, क्या है मैं वही इस्लाम में? बात नहीं कर नहीं रही हूँ कि जी जी जो भी रिलीजन है, इस्लाम के रिलीजन में भी है, आपने सही कहा, हिंदू रिलीजन में भी है, क्रिश्चियन में भी है, तो उनको हम क्यों उसमें से निकालना चाह रहे हैं, जबकि उस अब उसको हिंदू को हिंदू रहने दीजिए, मुस्लिम को मुस्लिम रहने दीजिए। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई ऐसी वो मतलब चीजें फॉलो कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए अब उस वक्त शायद नहीं होंगी, अब अगर अनएक्सेप्टेबल हैं, तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो अच्छी चीजें हैं उनको हम मेंटेन रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको मैम रेप की मिसाल दी। जी, तो मैम ये जो अच्छे अच्छे चीज को हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, सॉरी बुरी चीजों को रिफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी चीजों को रख सकते हैं, इसका कोई भी कुरान या हदीस रेफरेंस है? सॉरी दोबारा बोलिए, सॉरी मैंने सुना नहीं। आपने जो बोला कि हमें बुरी चीजों को रिफॉर्म करना चाहिए जो अभी के सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है, और हाँ अच्छी चीजों को रखना चाहिए, हाँ तो इस ये चीज का कोई कुरान या हदीस में है कि इस्लाम चेंज हो सकता है, इस्लाम रिफॉर्म हो सकता है? इसमें इसमें रिफॉर्म तो है ही नहीं ना, देखिए तो एक वो क्या एक मिनट उसको उनको बोलने दीजिए। उसका आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट, कि वो जो पता, बेनी फैमिली सिस्टम की जो बात कर रहे थे आप, लेट्स गो विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो इस्लाम जो है वो तो आपको रसूल है, अल्लाह है, अल्लाह की बात जो रसूल बोल रहे हैं, हदीस है, कुरान है, और जो हमारे जो खुल्फाए राशिदून है, आई मीन खुल्फाए राशिदून आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड। तो आपको पता है क्या अबू बकर साहब ने क्या किया था जंगे ओहद के बाद उनके बेटे को, उनका बेटा उन जो मुशरिक था, जो मुशरिकों के मुशरिक जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था, तो वो बोल रहा था कि आप जो है मेरे वालिद है, मगर आप जो है मेरी तलवार के उसमें आ गए थे, आप ऑलमोस्ट मेरे निशाने पे आ गए थे जंग में, जंगे उहद में, और मैं आपको मार दिया होता था, पर आप मेरे बाप है, आप मेरे बाप है बोल के मैं आपको छोड़ दिया, नहीं तो मैं मार दिया होता। तो आपको पता है कि अबू बकर जी जो इतने बड़े खुल्फाए जी राशिदून है, पहले खलीफे है, वो क्या बोलते है पता है, हाँ कि मुझे पता, अगर तू मेरे तुम मेरे निशाने पे सामने आता आके था तो तुम्हें मैं मैंने तो तुझे कत्ल कर दिया होता। तो इज दिस फैमिली वैल्यू, दिस इज द मोस्ट डिसगस्टिंग वैल्यू। अब मैं आपको इसके रिपरकशंस बताता हूँ फलस्तीन में जो हो रहा है, आई एम ट्रैकर सर कनेक्टिंग द सर डॉट्स सर हियर। सर एक आप मिनट वो एक मिनट, मोहम्मद का भी रेफरेंस दे देना, हाँ दे देंगे, वो मोहम्मद बाद में आएंगे, यू तो लेट्स गो विद प्रॉपर कैटेगराइज करेंगे उनको, खुल्फाए राशिदून से जरूर फिर जरूर सर, मोहम्मद तक लेके जाएंगे। तो बिल्कुल इसके अब सर, रिपरकशंस देखिए, आज फलस्तीन में एक माँ अपने बेटे को, 17 साल के बच्चे को लेटर लिखती है, वो सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला है बच्चा, कि नॉर्मल एक माँ कर बोल रही है कि तू जा अपने आप को बम लगा और काफिरों को मार दे, तेरी ऑलरेडी मैं शादी करा चुकी हूँ जन्नत की हूर से। इज दिस द फैमिली सिस्टम वी हैव टू गिव? इज दिस इज द फैमिली सिस्टम ऑफ इस्लाम? दिस इज अबहोरेंट। एक बंदा जिसको आप रिवेयर करते हैं, अबू बकर वॉज नॉट अ स्मॉल पर्सन, मैं छोटे आदमी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं आपके सामने, वो इतना बड़ा आदमी हो के अपने बेटे को कत्ल करा है क्योंकि वो मुशरिक हो गया, मैं तुझे कत्ल कर देता। एक बाप बेटे का नहीं होता है भाई, बाप बेटे का नहीं होता इस्लाम में। अगर कोई बच्चा मुल्हिद बन जाता है तो मार दिया जाता है उसको, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता है। हमारे सचिवाला जी को ये बोला गया था, उनके वालिद साहब ने बोला था कि अगर ये इस्लामी मुल्क होता था तो तुम वाजिबुल कत्ल थे, मुझे हाँ इस्लाम से बिल्कुल जीरो उम्मीद है, आई एम सॉरी टू से दैट। आप बेशक बोल सकते हैं कि वेस्ट का सिस्टम सबसे घटिया सिस्टम होगा, आई एग्री टू लिसन, पर ये मत बोलिए कि इस्लाम इज द ऑल्टरनेटिव, इस्लाम इज इवन वर्स देन वेस्ट, 100 टाइम वर्स, 1000 टाइम वर्स देन वेस्ट, क्योंकि अगर इस्लाम अगर सही सिस्टम होता तो आप लोग सब यूके में बैठे नहीं होते थे, आज सीरिया की ऐसी दुर्गत नहीं होती थी, आज मुसलमान बैठ के यूरोप में नहीं बैठते थे, असाइलम लेके नहीं बैठते। इस्लाम का कोई सिस्टम नहीं है, माफी चाहता हूँ आपसे, इस्लाम ना कोई हाँ सिस्टम दे सकता है। बिल्कुल सही ये कहा तो आपने, अब मुसलमानों की जानवर अच्छाई है, ये तो इस आज मुसलमानों की अच्छा ही है, अमित भाई एक मिनट, ये तो मुसलमानों की अच्छा ही है कि ये तो आप बोलिए कि मुसलमान ये हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी भी माँ है भाई, वो भी मुसलमान है, वो तो मुझे नहीं मार रही है, तो ये तो बहुत बढ़िया, मुसलमानों की तारीफ करिए, इस्लाम की तारीफ मत करिए इसमें।
वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तारीफ कीजिए। हाँ वो भी इंडियन मुस्लिम मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल सेक्युलर कंट्री एक्चुअली। हाँ जी अगर शरिया लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए जो इंसान एक सेक्युलर कंट्री में रह रहा है वेस्ट हो या इंडिया हो या पाकिस्तान जो पूरे तरीके से शरिया लॉ में नहीं चलती है। हाँ ये मैं आपको बोलता हूँ, मैंने कई ऐसे केसेस देखा, डिप्रेशन के केसेस देखा है। हाँ स्पार्टकस का तो वर्स्ट केस है, वो तो छोड़िए, वो तो भूलने को ही मुझे शर्म आ रही है अमित भाई। हाँ 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 पता है मुझे पता है, वो आप स्पार्टकस से भी डॉट कनेक्ट कर सकते हैं अमित भाई। एक मिनट एक मिनट। हाँ एक मिनट अमित भाई, वो एक अच्छा पॉइंट आ रहा था यार, मेरे पॉइंट रहने दो यार, रहने दो, पूरा इंटरप्ट कर दिए। पर दिस इज नॉट नॉट द राइट सिस्टम। अगर आप देख रहे तो आप ये सिस्टम को आप नहीं ला सकते सामने, इंसानियत के लिए नहीं है ये सिस्टम। क्योंकि आप देखिए चार शादियों का जो हमारे यहाँ है, और इसको जो है अरब में बहुत अच्छा मानते हैं। यू नो द फैक्ट दैट कि जो चार शादियां करते हैं उनसे जो औलादें पैदा होती हैं या कोई दूसरी शादी करके लाता है। अब देखिए ये चीज शायद अरब में चल सकती है, उनके कल्चर में चल सकती है। इंडिया में जब हम लोग यही सिस्टम फॉलो करते हैं सूर्य निशा पढ़कर, तो आपको पता नहीं वो बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पॉलीगैमी लीड्स टू डिप्रेशन अमंग किड्स, इट्स अ वेरी नोन फैक्ट। इट्स ये होता है ऐसा, क्योंकि आप इक्वली एक आदमी दो औरतों के साथ कभी भी इक्वल ट्रीट नहीं कर सकता। नाउ लुक एट द फैलेसी हियर, लुक एट द फैलेसी हियर कि कुरान में ये लिखा है कि दो तीन और चार शादियां कर लो, पर तुम सबको इक्वालिटी से रखोगे ये भी बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर आदमी अगर इक्वालिटी से के साथ नहीं रखता है चार बीवियों को, तो फिर उसके रिपरकशंस क्या है? गायब, कोई रिपरकशंस नहीं उसके। कोई रिपरकशंस है कि अगर आदमी इक्वालिटी से नहीं रखा, चार बीवियां शादी कर लिया, ठीक है आपको भी मालूम मुझे भी मालूम, सब ये चीज बोल सकते हैं कि चार बीवियों को ये इक्वालिटी से नहीं रख सकता, तो फिर क्या करोगे आप? कोई रिपरकशंस है उसके साथ? जी जी बोलिए, बोलने दीजिए। जी जी मैम आप बोलिए अगेन। जी जी सबने आप बोलिए। चार शादियों का आपने बोला, मैंने आपसे फिर पहले भी अर्ज किया था कि जो चीजें जो एक्ट्स पहले शुरू शुरू के इस्लाम में एक्सेप्टेबल थे वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ सऊदी अरब में हो रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, इंडिया में तो नहीं हो रहा चार बीवियों का। अच्छा अगली बात, हो रहा होगा छुपते छुपाते कर रहे हैं शादियां इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, हाँ जी हमें इजाजत है। लेकिन उसके साथ आप एक और चीज भी देखें कि इस्लाम छोड़ के हम क्या कर रहे हैं वेस्ट में। चलो वो तो बेचारे दो करते हैं तीन करते हैं, वेस्ट में क्या करते हैं? बच्चे पैदा करके फेंके, जब तक फिजिकल ब्यूटी है उस लड़की की उसके साथ रहे, जब उससे दिल भर गया बगैर एक सेकंड लगाए छोड़ के अगली के पास चले गए, उसको छोड़ के अगली के पास चले गए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिप्रेशन इन देयर चिल्ड्रन एंड इन देयर वुमेन स्पेशली। मैम मोहम्मद ने ये नहीं किया था जी, मोहम्मद साहब ने ये नहीं किया था। मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मैं कोई बहुत स्टॉन्च मुस्लिम नहीं हूँ, मैं कोई बहुत वेहीमेंटली मोहम्मद को फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो अच्छी बातें हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हम चेंजेस ला रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, या तो ये कहिए कि चेंजेस नहीं आ रही हैं। देखिए पाकिस्तान में आप अभी अभी आजाद जी ने मेरा ख्याल है कहा, या आई डोंट नो वन ऑफ यू सेड के जी, ये तो आपका पर्सनल वो है। एक मिनट किसी का यूट्यूब खुला होगा प्लीज म्यूट करें, यूट्यूब म्यूट कर दें। शौकत साहब आप बोलिए या माइक म्यूट कीजिए। हाँ हाँ मैम को पहले बोलने दे। हाँ अभी आजाद साहब ने कहा कि ये तो आपका पर्सनल, आपने भी कहा कि ये तो आपका पर्सनल रिलीजन हो जाएगा जो आप कहेंगे, ये मेरा पर्सनल रिलीजन नहीं होगा। क्योंकि एटलीस्ट पाकिस्तान में रेप के नाम पे तो मुझे एक बात पता है, अब वो अगली भी कुछ बातें मुझे मेरे नॉलेज में आ रही है कि कुछ कोशिशें हो रही हैं वुमेन, मतलब आई मीन वुमेन्स राइट्स पे वर्कआउट हो रहा है, जिसमें वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं जो कि टिपिकली इस्लाम के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो चेंजेस पाकिस्तानी लॉ में ला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम, मुझे अपनी जनरेशन की फिक्र है, आपको भी होगी, डेफिनेटली आपको भी होगी। तो क्या एक जनरली अगेन अगर बात करें हम, तो जब हम इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं, एक जो थोड़ी सी भी सेंसिबल फैमिली है मुस्लिम फैमिली की बात कर रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि
जो बच्चे पेरेंट्स के साथ, बहन भाई आपस में एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं, कोई परेशानी होती है वो डिस्कस करता है, उसकी हेल्प करने की कोशिश की जाती है। और एक्चुअली अल्टीमेटली अगर आप देखें तो वो जो मोहम्मद के थ्रू, आई अंडरस्टैंड मोहम्मद कोई इतने वो टिपिकल किस्म के नहीं होंगे, लेकिन मोहम्मद के थ्रू जो नेचर और अल्लाह ताला की जात को इंट्रोड्यूस करवाया है कि जी जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जैसे आज़ाद जी ने अभी कहा, आज़ाद साहब ने, कि कैन बी फाइव डिफरेंट वेज ऑफ आई मीन रिड्यूसिंग डिप्रेशन बाय मैम मैम फॉलोइंग मैम इस्लाम, मैम भी मैम उसमें आप एक ये टॉपिक है। से डाइवर्ट हो रहे हैं मैम। नहीं 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 मैंने मैं बिल्कुल मैंने टॉपिक के ऊपर नहीं नहीं हूँ। मैम मैम मेरा क्वेश्चन एक ही था कि जब आप इस्लाम को रिफॉर्म कर रहे या फिर अच्छी चीजें रख रहे, बुरी चीजें हटा रहे, इसका इजाजत आपको खुद इस्लाम नहीं देता, तो आप कहाँ से ये अपना ला सकते हैं? क्योंकि ये कहीं भी कुरान में हो, हदीस में हो, इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह ने बोला है कि उनका ये वर्ड हमेशा के लिए है और ये हमेशा के लिए वो खुद प्रिजर्व करेंगे, तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप किस तरीके से आप इन चेंजेस इन तो सब हो चीजों सकती में, हैं, चेंजेस तो बिल्कुल देखिए पाकिस्तान में भी हुई है, सऊदी अरब में भी हुई वो है, तो दुबई आप में भी कंट्री का हो रही बात है। कर रहे हैं, वो कंट्री कह में रहे होती हैं है कि चेंजेस, जिसको जिसको आप कंट्री में इंग्लिश को, चेंजेस हो रही है, मैं मान रही हूँ। हाँ कंट्री हाँ एवरी एवरी जनरेशन कंट्री को चेंज करता है, जी लेकिन रिलीजन में जो चेंजेस परिवर्तन आने चाहिए वो एक रिलीजन, उसकी परमिशन भी देना पड़ेगा, लेकिन इस्लाम में वो चीज का परमिशन है ही नहीं। आप खुद से बोल रहे हैं कि इस्लाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे किसी भी मुस्लिम को पकड़िए, उनसे पूछिए कि अगर मैं इस्लाम का ये कुरान में ये वर्ड हटा सकती हूँ या फिर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन कोई आपको इस चीज की इजाजत नहीं देगा। अल्टीमेटली क्या है, क्या इस्लाम को देखा जाएगा या एक सोसाइटी को देखा जाएगा? अल्टीमेटली जी तो सोसाइटी को ही देखा जाएगा ना। एक्स मुस्लिम ही सोसाइटी हेलो को देख रहे हैं। हेलो, अल्टीमेटली तो सोसाइटी को ही देखा जाएगा ना कि इस सोसाइटी का क्या बन रहा है, इस सोसाइटी का अंजाम क्या हो रहा है। हेलो हेलो, मेरा मैम एक सवाल है, मैं दो जी दो दो मिनट टाइम लूंगा फिर चला जाऊंगा, 2 मिनट हमको दीजिए। जी एक्चुअली यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आप ये बताइए कि रिलीजन है क्या, आप कैसे डिफाइन करोगे रिलीजन को? आप डिफाइन कर, आप बताइए आप क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगी रिलीजन को? फबीन जी, मैं रिलीजन को ऐसे डिफाइन करूंगी कि एक खुदा और हम उसकी मखलूक हैं, कि और फिर दरमियान में ये प्रॉफिट्स उन्होंने कहा आ गए, जो भी आए, 1,40,000, 1,24,000 प्रॉफिट आए, चौबीस हजार ठीक हो गया। अब उसमें उन्होंने जो भी रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, कुछ ने उसमें चेंजेस किए, अमेंडमेंट्स किए अपने अपने फायदों के लिए, कुछ ने कुछ कवानीन बना दिए, किसी ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है लेकिन ठीक है, मैं समझ लिया। अब मेरी सुनिए, 2 मिनट लूंगा केबल टाइम, 2 मिनट। जी देखिए रिलीजन ये होता ही नहीं है, ये भी आप कल्चर के थ्रू पाई हो। आप अभी पूछ रही थी कि वेस्टर्न में, पश्चिम में इतने लोग अवसाद हैं, डिप्रेशन की गोली खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं कि एक्चुअली आज तक लोगों ने धर्म धर्म मतलब रिलीजन और विज्ञान, साइंस और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, ये आज तक एक्चुअली किसी ने, बहुत लोगों ने जाना, ऐसा नहीं है, जानते नहीं है। एक्चुअली पश्चिम वाले साइंस में तो अच्छी खोजें करते हैं, लेकिन रिलीजन का संबंध इससे नहीं कि गॉड है या गॉड नहीं है। रिलीजन हाँ का संबंध है कि कोई भी इंसान है, हर इंसान की यौन इच्छाएं होती हैं, सेक्सुअल डिजायर, ईगो होता है हर इंसान में, अहंकार जिसको बोलते हैं, जीलस होता है, ये जीलस को क्या बोलेंगे, ईर्ष्या, ईर्ष्या किसी से नफरत करना, डिप्रेशन होता है जो अवसाद बोलते हैं, एक मोह शब्द होता है, ये हिंदुओं का काफी, मोह को इंग्लिश में शायद अटैचमेंट, अटैचमेंट लगाव, तो ये होते हैं। एक्चुअली रिलीजन का संबंध इन चीजों से नहीं है कि हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, तो आप कल्चर और रिलीजन को कृपया अलग करें। और एक हिंदू धर्म है भारत में, मैं उसको जो है एज अ मुस्लिम, मैं उनके पूर्वजों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी इतनी गजब खोजें हैं स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, लेकिन हाँ लोगों ने हिंदू को इतना बदनाम कर दिया। मैम एक 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 मिनट, हिंदुओं को इतना बदनाम कर दिया कि हिंदू केवल जाति प्रथा, हिंदू का जात प्रथा से कोई लेना देना नहीं, या किसी धर्म का, धर्म केवल होता है इंसान की जो भूख होती है, भूख कई होती, सेक्सुअल होती है, लोगों से नफरत करना, खुद को महत्वाकांक्षा, एम्बिशस बनना, दूसरों को पीछे करना। तो ये पश्चिम के लोग आज साइंस में तरक्की किए, लेकिन वो डिप्रेशन दूर करने के लिए आज भी इंडिया में आते। एक एक गुरु हुआ था ओशो, रजनीश ओशो का नाम आपने सुना होगा,
आप प्लीज, ये एक्चुअली हम इस्लाम पे रहते हैं, हम उस पे बात कर रहे थे। आई एम जी सॉरी, ठीक है मैंने ठीक है, मैं इंटरप्ट आपको किया, भी प्लीज जी शुक्रिया। तो जी हेलो तंजीला, मैं दीप्ति, आई एम फ्रॉम, आप उस दिन भी हेलो आपसे हेलो। हेलो, जी जी आई बाय विल नॉट बाय टेक बाय। मच हेलो आई विल हाँ नॉट जी टेक मच ऑफ अ टाइम. आई यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड कीप माय पॉइंट्स. व्हाट्स हर नेम आई डोंट नो, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान. जी जी सब छोटा ठीक सा है। सवाल दीजिए कि व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज रिलीजन, कैन यू प्लीज डिफाइन इट, बिकॉज यू नो इट्स ऑलमोस्ट 75 ईयर्स पाकिस्तान को एग्जिस्टेंस में आए हुए हैं. सो आप जो फॉलो कर रहे हैं, व्हाट यू आर फॉलोइंग एक्चुअली इज अ कल्चर, अ कल्चर ऑफ यू नो बिल्कुल इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय सब कॉन्टिनेंट. बिल्कुल तो व्हेन यू कंपेयर विथ यू नो इस्लामिक वर्ल्ड, यू नो अरब वर्ल्ड विच इज एक्चुअली अ ट्रू इस्लाम, यू आर नॉट ट्रू इस्लाम. सो वो लोगों का कल्चर आप फॉलो कर सकती हैं, कैन यू फॉलो इट? तो आई थिंक उनका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग पाकिस्तान में हिंदुइज्म इम्पोस्ट करते, अगर नहीं अगर नहीं 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 और नहीं यू आर नहीं टेकिंग नहीं मी नहीं नहीं नो नहीं नो नहीं यू नहीं 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 आई एम नहीं गिविंग योर एग्जाम्पल, एक मिनट सर, आप पूरा बात सुनिए, आई एम गिविंग योर एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग वो करते, और हम लोग भी यही बोलते कि ये देखिए कल्चर अच्छा है यहाँ पर, सोसाइटी अच्छा है यहाँ पर, ये अच्छा है, तो वो कैसे जस्टिफाई होगी? क्योंकि रिलीजन और कल्चर काफी दो डिफरेंट चीज है। नहीं, यू आर डिफरेंट नॉट चीजें नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर. व्हाट पाकिस्तान इज फॉलोइंग इज अ भारतीय कल्चर. आप उनसे एग्जैक्टली पूछिएगा ना कि कितने कितने पाकिस्तानी चार शादियां करते हैं, देखिए, कितने पाकिस्तानी घर पे अपने स्लेव रखते हैं, कैन यू प्लीज आंसर मी? नहीं देखिए, कल्चर और दिखाइए. रिलीजन, कल्चर कल्चर रिलीजन से ही बनता है ना। हाँ तो बताइए कल्चर ना जो मुझे, है को वो रिलीजन से बताइए. ही बनता है। जी इसीलिए मैंने जी पहले जी भी अर्ज किया कि पाकिस्तान और इंडिया में भी जो मुस्लिम्स हैं वो अपना कल्चर जैसे रख रहे हैं, उसी तरह से वेस्ट में जब आप मुस्लिम्स को देखेंगे तो वो कल्चर ऑलमोस्ट सेम होगा जो पाकिस्तान और इंडिया में चल रहा है। हाँ, वो वेस्ट के लिहाज से थोड़ी बहुत उसमें कर लेते हैं चेंजेस। तो कल्चर इज एक्चुअली रिलीजन, नो इट इज। मैम, देखिए जी पकड़ लीजिए, यहाँ पर जो इंडिया में जो कल्चर है वो बहुत पहले से है, इवन इस्लाम जब तक नहीं आया तो उससे भी पहले से है हाँ, वो तंजीला जी कल्चर के। प्लीज, जी जी तंजीला जी आई वांट टू टॉक टू हर, प्लीज गिव मी सम यू नो टाइम्स, बिकॉज़ आई एम सर एंड अप सर, विथ माय एक मिनट बैटरी मैं। एंड आई एम एंड अप विथ माय बैटरी, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम. अच्छा आई विल टेल श्योर श्योर। यू नो व्हाट इज योर फूड हैबिट्स, मीट डज आपका इट फूड कम, हैबिट आई एम एवरीथिंग, आस्किंग यू व्हाट इज योर फूड हैबिट्स, डज इट कम फ्रॉम इस्लाम? यस। हाउ कम इट कम्स फ्रॉम इस्लाम, कैन यू प्लीज डिफाइन इट? मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ, चिकन सो और ईटिंग वेजिटेबल डजंट डिफाइन दैट कि यू आर नहीं, फॉलोइंग इस्लामिक इस्लाम कल्चर. देखिए, इस्लाम में पोक नहीं है तो मैं पोक नहीं खाती, इस्लाम में अल्कोहल नहीं है मैं अल्कोहल नहीं लेती, तो रिलीजन दैट इज है ना। That is not the food habits. That the food habits from morning to evening, 365 days, 24/7, what you eat is actually, you know, those are food habits. You cannot include कि भाई पोक नहीं खाते. The maximum of आई Indians थिंक जो आप रेस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, वो that आपसे is आपका a फूड very हैबिट very very पूछ रही right, है। very right, Tanzila. She is putting on, जी you know, pointing out the restrictions. मैम, हम लोग आपसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं पूछ रहे, हम लोग पूछे कि आप दिन में जो खाते हैं वो खाना क्या इस्लाम के कल्चर से आ रहा है? अगर नहीं, जाहिर है नहीं, That आप उस is बात से what पूछ रहे हैं। हाँ that is ठीक है। what we want to say. There हाँ is a difference between the culture and the religion. The culture you are following is a Bharatiya culture of Indian subcontinent. The religion you're talking about is Arab religion. वहाँ पे जिना बिल्कुल की जिना है, रजम है, काफिर है, मुशरिक है, मुलहिद है, ये सारी बातें हैं. दैट इज नॉट देयर इन योर कल्चर. व्हाई इट इज नॉट देयर? बिकॉज इट इज डीप रूटेड. कल्चर एक दिन में नहीं बनता, टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बिल्ड अ कल्चर. आप ऑल ऑफ अ सडन यू इम्प्लीमेंट, यू कम विथ अ न्यू रिलीजन, दैट डजंट चेंज योर कल्चर. दैट विल बी देयर, यू इम्प्लीमेंट द रेस्ट्रिक्शंस. भाई उसमें ये नहीं लिखा है तो मैं ये सब नहीं करूंगी, बट दैट डजेंट मीन कि आप ये सब चीजें छोड़ देंगी जो आपके कल्चर का हिस्सा है, वो फॉलो कर रहे हैं. वो डीप रूटेड इतने हैं कि आपकी साइकोलॉजिकली अवचेतन मन में,
इम्प्लीमेंटेड है कि भाई चार शादियां गलत है, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, जो अरब में नहीं होता। वो लोग चार करते हैं, छह करते हैं, आठ करते हैं, स्लेव होते हैं उनके घर में, बच्ची लोगों से शादी करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसमें क्या है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट मैं प्रूव करना चाहूंगा कि आप इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे जो इस्लाम में इतनी सारी फुटबॉल टीमें बना रखी हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ ए वन बाई वन, अलकायदा, तालिबान, तहरीके तालिबान, लश्कर तैयबा, मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, आईएसआईएस खुरासान, सोमालिया, अरसा, ये सब, या आप ये किस चीज का हिस्सा है, ये कल्चर का हिस्सा है या इस्लाम का हिस्सा है, क्या डिफाइन कर सकते हैं? मैं तो यार बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मैं खा के आया हूँ। जरूर जरूर खाइए, क्योंकि मैम आप भी खाइए, मैम आप भी कुछ आप भी खाना लेके बैठिए, आपसे बात करके काफी मजा लग रहा है जी सर। अगर आप मुझे इतना टाइम लेने की इजाजत देंगे तो फिर खाना साथ रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय द वे, आपने बोलने की इजाजत दी, इतना टाइम दिया मुझे, बहुत शुक्रिया मैम। ये आपका ही चैनल है, आप कभी भी आ सकते हैं। आप इंडियन से बात कर रही हैं, यहाँ पे फ्रीडम टू टॉक बहुत बढ़िया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया दी गई है, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रीडम टू टॉक तो अपने पास है भाई, आप हमारे महल के वाइल्ड फायर। अब कल्चर की बात जो बोल रहे थे, तो एक्चुअली अब अगर मैं देखा जाए तो मैं मुस्लिम फैमिली से आता हूँ, वाइल्ड फायर हिंदू है, पर जो जबान हम बात करते हैं, अगर हम वो हैदराबादी स्लैंग पे आ गए ना, तो ऐसा लगना कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है कोई पहचाने का नहीं। सही बोले ना वाइल्ड फायर भाई? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जायज बात बोले। अगर हम लोग दोनों वो लैंग्वेज पे, क्योंकि वो भी बचपन में वही महल्ले में रहे जहाँ मैं रहा हूँ, दैट इज वॉट इज कल्चर। देखिए दो मुल्क बने थे इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेशों के साथ क्या हुआ आप खुद जानते हैं कि बांग्लादेशों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से टिक्का खाने हर कभी साड़ी पहनने के लिए, बिल्कुल उनकी खुद बिल्कुल लैंग्वेज पर भी इशू हुआ था, लैंग्वेज पर भी इशू हुआ, अपने कपड़े के लिए, अपने खाने के लिए वो लोग लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं देखता हूँ, मैं कभी एक बार गल्फ गया था तो वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मलबारियों की अलग मस्जिद है, पाकिस्तानियों की अलग मस्जिद है। हालांकि कोई मलबारी जाके पाकिस्तानी खाना, दोनों भी सुन्नी, दोनों मुस्लिम, दोनों सुन्नी मुस्लिम एक ही मजहब के, वो मलयाली में बोलते हैं, इधर खुतबा होता है उर्दू में, तो मतलब दोनों भी जो है कि ऑलमोस्ट आप ये बोलिए कि दोनों का कल्चर मिलता ही नहीं है। वो मलयाली जाके थॉमस कुट्टी वेलमा वो जो वेलमुर्गन उससे जाके बात करेगा, क्रिश्चियन हिंदू से बात करेगा मुसलमानों के, ये अपने पाकिस्तान के पूरे पंजाबी हिंदू से बात करेंगे, मगर कोई कोई केरला के मुसलमान से बात नहीं करेगा। तो रिलीजन डज नॉट डिफाइन कल्चर। अब मैं और वाइल्ड फायर को देख लो ना भाई, वो हिंदू फैमिली से है, मैं मुस्लिम फैमिली में रहा, अगर हम एक बार हैदराबादी पे उतर गए तो खत्म। फिर मुझे किसी ने डिप्रेशन, मुझे किसी ने डिप्रेशन दूर करने की के साथ टिक नहीं पाया, जो कल्चर डिफरेंस की वजह से बांग्लादेश इनके साथ टिक नहीं पाया, इनके साथ रह नहीं पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर हम लोग मैम को मौका देते, वो अपनी पूरी पॉइंट रख रही थी। जी मैम। हाँ मुझे किसी ने डिप्रेशन दूर करने वाली बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। जी मैम जी मैम। मैं उसमें एक तो फैमिली सिस्टम बता रही थी कि स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम की वजह से आपकी मतलब जो एक बंदा जैसे वेस्ट में यहाँ अकेले एक बंदा होता है, कोई उसके पेरेंट्स बहन भाइयों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, वो अकेला होता है बिल्कुल, उसको कोई परेशानी है, चाहे वो कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई फाइनेंशियल परेशानी है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा वहाँ बहन भाई होंगे, माँ बाप होंगे, सत्यवारी जाते हैं, और वो जो फैमिली सिस्टम है, वो जो माँ बाप सत्यवारी जाते हैं, वो बेसिकली इस्लाम से ही निकला है। और इसमें मैं सिर्फ इस्लाम नहीं लेके आऊँगी, बेसिकली मैंने मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि हर रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, इस्लाम है, उसमें माँ बाप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हर रिलीजन में पेरेंट्स बहन भाइयों को बहुत रिस्पेक्ट और लव की, उनको ताकीद की गई है। तो एक तो ये वजह है कि डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होते हैं, जाते हैं लेकिन चांसेस कम होते हैं। दूसरी जो वजह है, आप इस्लाम के थ्रू या हिंदुइज्म के थ्रू या क्रिश्चियनिटी के थ्रू आप एक प्रॉफिट, और प्रॉफिट के थ्रू आप जाके फिर आपका अकीदा बनता है कि हाँ जी एक अल्लाह ताला की जात है, जो कि जब इंसान पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है जिसमें कि वो उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है, उस वक्त उसका अकीदा उसको कहता है कि नहीं, जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ। वहाँ ख़ास तौर पर जो मुझे चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्गली ये चीज़
करती है, डिस्टर्ब के बाकी जहाँ कोई अकीदा नहीं है वहां पे ये सोच नहीं कि जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ। और जब किसी रिलीजन में जब ये सोच, आज हाँ मैं यही बात कर रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में भी है बिल्कुल है, लेकिन इस्लाम में भी है। मगर आप ये जो बोले जो अल्लाह की तरफ से जो हुआ ना, ये जो अल्लाह की तरफ से जो हुआ ना, दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल द एपेथी। ये तो और डिप्रेशन वाली बात है असल में, अल्लाह की वजह से हुआ ना तो रहने दो भाई, आप जो है ना रहने दो, इनजस्टिस हो रही है ना अल्लाह की वजह से है बेटा, रहने दो इनजस्टिस, चलने दो, खराब हो रहा है ना, खराबी होने दो, अल्लाह की वजह से हो रहा है ना, तो ये जो अल्लाह की वजह से है ना, दैट इज एपेथी। और मैम जो आपने बोला कि अच्छा फैमिली बैकग्राउंड की कोई डिप्रेस नहीं रहेगा, आयशा ने खुद ये कहा है इसमें हदीस में कि उन्होंने बिलीविंग वुमेन से ज्यादा टॉर्चर्ड, ज्यादा उदास कोई दूसरी औरत नहीं थी, कोई दूसरी औरत जो मुस्लिम ना हो वो मुस्लिम औरतों से काफी हद तक खुश थी। ये आयशा आपकी क्या बोलते हैं इस्लाम की माँ, उन्होंने खुद कहा है। देखिए मेरा एक ही अकीदा है, इस्लाम का एक लाइन जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अपील करती है, और वो है कि हकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं कर सकता, हकूक अल्लाह जो है वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हकूक का मतलब मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता। राइट्स बोलना। जो सिर्फ एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है, जिसकी वजह से मैं इस्लाम को फॉलो भी करना चाहती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ, कि लेकिन गो के वो सारे मुस्लिम्स नहीं कर रहे और ना इस चीज को समझते हैं कि अल्लाह ने खुद कह दिया कि हकूकुल, जिस बंदे ने किसी दूसरे के साथ ज्यादती की वो हकूकुल इबाद है, उसको मैं माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना करे। अच्छा तो उस अच्छा, एक बात उस जगह पे अल्लाह ने उस बंदे को अपने से ऊपर कर दिया। अच्छा सर, तो एक पुरम सर एक मिनट, माई कुछ बोलने मांग रही थी, वो पहले थी, उसके बाद आप बोले प्लीज। अप्रिशिएट कोराम जी, देखिए वुमन पावर, आपको चुप करा दिया आपके चैनल पे, वो हमको चुप बैठना ही पड़ता भाई। सॉरी कोराम सर, सॉरी कोराम सर, नहीं 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 नई बात नहीं है, घर में भी हमको चुप रहना पड़ता भाई, घर में भी वही होता। और क्या कोई भारतीय कल्चर है सर। अच्छा मुझे यही पूछना था कि द डिप्रेशन इन द लाइक जो इस्लाम के अंदर मिसोजिनी है या कोई इक्वल राइट नहीं है, एक वो जब वुमेन को रियलाइज होता है, जब वो चोक फील करती है, सफोकेटेड फील करती है, वो वाले डिप्रेशन का क्या? मैं पहले भी एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछने आई थी। मैं देखिए अब मेरे हर आपके हर सवाल का एक ही मेरा जवाब होगा कि वहां हकूकुल इबाद आ जाता है, जहां इस्लाम के नाम पे औरत चोक हो रही है, उसके इमोशंस चोक हो रहे हैं, वहां वो बंदा वो शौहर गुनाहगार है, उसका सर कलम करना पड़ता है। ये तो गुनाह तो अल्लाह ने बताया, ये गुनाह करना नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने बताया कि उसको चोक, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप अपनी बीवी को मार सकते, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि एक बीवी को छोड़ने के बाद अगर दूसरे वो बीवी आपके पास वापस आनी चाहती है तो उसको दूसरे हस्बैंड से शादी करना होगा, जिससे जिसको हलाला बोलते हैं, जो हलाला बोलते हैं, ये नहीं है इस्लाम में। सॉरी आवाज ब्रेक हो गई। अच्छा सॉरी सॉरी आवाज ब्रेक हो गई मैम, सुनाई दे रहा है आपको? जी 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 मैम, मैं पूछ रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कहीं भी कि आप अपनी बीवी को मार सकते हैं, अल्लाह ताला ने क्या ये कहीं नहीं कहा कि एक बीवी जो छोड़ देती है, डिवोर्स्ड है, उसको वापस आने के लिए दूसरे मर्द के साथ सोना, हम बिस्तरी करना होगा, जो अभी हम लोग हलाला बोलते हैं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप दूसरे छोटे बच्चे लोग को भी आप शादी करके डिवोर्स कर सकते हैं? क्या ये सब एक औरत का चोक करना नहीं हुआ, औरत को दबाना नहीं हुआ? और लास्ट थिंग, अगर वुमेन का नहीं मन है, मतलब रात को या जब भी अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में, देन उसको ये धमकी क्यों है कि उसको सारी रात बैठ के एंजल्स कर्स करेंगे? शी हैज टू बी रेडी नो मैटर व्हाट। आई मीन और वुमेन लोग को कल्टीवेशन फील्ड क्यों बोला गया? क्या आप सब बच्चे पैदा करने के लिए है? कुरान में बोला है। अच्छा जी, कुरान में बोला है, ये अल्लाह ताला खुद बोलते हैं।
मैं थोड़ा आप ये जस्टिस कैसे पर, डिनाई हाँ, करते जी मैं कुरान जस्टिस शरीफ? पर बात करना चाहता हूँ, जस्टिस के ऊपर, कि भाई जो फीमेल को जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप, वो बोल रहे हैं कि माफ करना नहीं करना, मतलब अल्लाह के नजदीक, ये जो जस्टिस का आपने जो है ना आउटसोर्स कर दिया अल्लाह को। वाइल्ड फायर जी, जरा आवाज आ रही है, अभी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, म्यूट कर ले। तो हाँ, तो ये जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में और सारे अब्राहमिक रिलीजन्स में, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि आपने सब कुछ जो है आउटसोर्स कर दिया अल्लाह को। मैं आपको एक ऑल्टरनेट स्टोरी देता हूँ, इट्स अप टू यू, अगर इफ यू वॉन्ट टू बाय इट बाय इट, और एल्स यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन। मैं जो जिस तरीके से जस्टिस को देखता हूँ, मेरे नज़रिए से जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मैं इंसान की तरक्की को देखता हूँ। 500 साल पहले, 700 साल पहले स्लेवरी थी, गुलामों को खरीदते थे, लेके आते थे, मुसलमान भी करते थे और कॉलोनियल वाले भी करते थे, पोर्चुगीज ने किया, ब्रिटिश ने किया, सभी लोगों ने स्लेवरी में मुलविस थे, पर हमने उसके, वी हैव एक्चुअली एमेंसिपेटेड फ्रॉम इट, हमने स्लेवरी छोड़ा। लौंडिया रखते थे एक ज़माने में, सभी रखते थे, नवाब वगैरह, ये बादशाह, सब लोग लौंडिया रखते थे, ये हमने ये चीज़ छोड़ा, हम जमहूरियत की तरफ आए। तो मैं जस्टिस को इस तरीके से देखता हूँ कि हिस्टोरिकली जिस कम्युनिटी के ऊपर जो इनजस्टिस हुई, क्या हमने पिछले 100 साल, 200 साल, 400 साल में, क्या हम उनके साथ वही रख कर रहे हैं? तो इसमें मैं ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करते हुए देख रहा हूँ। मैं कोई आउटसोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी एक्सटर्नल एजेंसी को, वो आए और यहाँ पे आके सबको जो है सजा की जो है सजा सुनाए, या किसी एक आखिरत के दिन जो है सजा सुनाए, जो है या नहीं है वो बंदा वो भी नहीं पता। तो ये जो आउटसोर्स करने का जो बिजनेस है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं देखता हूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, आज से 1000 साल पहले स्लेवरी थी, ठीक है, आज जो है हमने उसको ख़त्म कर दिया, आज किसी ब्लैक के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। सिविल राइट्स मूवमेंट्स हमने लाया, एक हिस्ट्री है हमारे पास कि हमने कई बुरी चीज़ों से, हर कल्चर में कई बुरी चीज़ों से वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, वी हैव एमेंसिपेटेड आवर सेल्व्स फ्रॉम ऑल द इवल्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनी रिलीजन, क्योंकि एनलाइटनमेंट की वजह से हमने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, हमने एनलाइटन हुआ। तो ये जो आउटसोर्स करना, जो जस्टिस का जो आउटसोर्स करना है, दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट्स वेरी प्रिपोस्टरस। ये समझ नहीं आता है मेरे को कि जस्टिस आप अल्लाह को दे रहे हैं तो बस मुझे वो ठीक है। मैं जस्टिस को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा। आज भी इनजस्टिस हो रहा है आपके सामने, आपका ये काम होना चाहिए कि आज की तारीख में आप जो है, जो इनजस्टिस हो रही है इस कम्युनिटी के साथ या जिसके साथ, शायद वो औरतों के साथ आज ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है मर्दों से, उनकी इक्वालिटी के लिए काम आज उतरे आप, ताकि 100 साल में उनको इक्वालिटी मिले। ये जस्टिस बेहतर जस्टिस है बनिस्बत, मुझे तो इसमें बदला दिख रहा है कि भैया तूने इनजस्टिस किया ना, अल्लाह मियाँ देख लेंगे, तूने इनजस्टिस किया ना, तेरे का सर कलम कर देंगे। दैट इज नॉट हाउ आई सी जस्टिस, आई एम सॉरी, आई मीन दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑन जस्टिस। दैट्स व्हाई इस्लाम डजंट अपील टू मी, इस्लाम फॉर दैट मैटर एनी रिलीजन, डोंट नो रिलीजन अपील टू मी। ठीक है, मैं इस डिस्कशन को यहाँ मजीद लंबा नहीं करूँगी, बहस इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस चीज को प्रमोट करना चाह रही हूँ मुस्लिम के लिए। मेरा छोटा सर का सवाल है, मैं अभी स्ट्रीम सुन रहा था कि हुकूकुल अल्लाह जो है तो माफ कर देंगे, माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन हुकूल इबाद माफ नहीं किया जाएगा, तो मैडम प्लीज इसका रेफरेंस दे सकते हैं, आपने ये कहाँ से लिया है? एग्जैक्टली आपने जो वो एक लाइन बोला था ना, वो कहाँ से है, कुरान या हदीस कहाँ से है? मुझे एग्जैक्ट तो सच्ची बात है इस वक्त याद नहीं, लेकिन ये हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब किसी इंसान का आप दिल दुखाते हैं तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, खुदा आपको माफ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, मतलब हदीस उस बंदे से माफी मांगो, इस्लाम की ब्यूटीफुल लाइन जो मिली है आपको वो हदीस से मिली है, और जहां से ये ब्यूटीफुल लाइन मिली है वहां के तमाम अगली लाइन आपने छोड़ दिया, एक ब्यूटीफुल लाइन ले लिए। ओके, बस इतना ही पूछना था मुझे। आजाद जी, मुझे एक बहुत बहुत अच्छी लाइन है इस्लाम में, इसमें कोई शक आजाद जी मुझे एक और लाइन मुझे ऐड करनी है। हदीस एक और हदीस है, साहिल की चैनल पे मैंने सुना था, 100 कत्ल करके भी अगर आप ईमान ले आते हो तो आपको जन्नत नसीब होगी, आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ईमान ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। आप एक बार हदीस का रेफरेंस दे सकते हैं? हदीस नहीं है,
हदीस है, मुझे भी पता, मुझे भी पता हदीस है। ये साहिल के चैनल पे बड़ा डिस्कशन हुआ था, 5-6 घंटे की स्ट्रीम थी, उसमें क्लियर मेरे मुझे नंबर याद नहीं है बिकॉज़ आई एम यू नो नॉन मुस्लिम, तो मैंने ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ये हदीस है, उसमें कहता है कि भाई इतने कत्ल करके आप ईमान ले आओ, उसके बाद भी आपको क्या नाम है, जन्नत नसीब होगी और आपको जन्नत भेजा जाएगा क्योंकि आप ईमान ले आए, आपके सारे कत्ल माफ है। एक और हदीस का देता हूँ, उसका नंबर याद है 4357। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब इधर क्या नाम है यमन में जाते हैं, वो तीरों की पूजा करता है, तो उसे बोलते हैं तू तीरों की पूजा छोड़ दे और ईमान ले आ, नहीं तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सो ये भी एक इस्लाम का पार्ट है कि उसे धमकी दी जा रही है कि अदर यू एक्सेप्ट इस्लाम अदरवाइज विल यू नो चॉप योर हेड विद अ सॉर्ड। सो आप यू आर पॉइंटिंग आउट वन हदीस, वी विल पॉइंट आउट 100 हदीस व्हिच इज यू नो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, हाउ यू जस्टिफाई। नो बट द पॉइंट हियर वाइल्ड फायर, द इशू हियर इज दैट कि मैं अगर आप चाहे तो अच्छे पॉइंट्स में माइन कैम्फेज ही निकाल सकता हूं। डेफिनेटली हिटलर ने लिखी है, उसमें भी आर्ट के बारे में लिखा है, उसमें भी कल्चर आर्ट हाई सोसाइटी के बारे में लिखा है, तो मैं तो माइंड कैंप से भी निकाल सकता हूँ अच्छे अच्छे पॉइंट्स, सैटेनिक बाइबल से भी निकाल सकता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट अच्छा हो तो ऐसा, ऐसी बात नहीं है कोई, एक पॉइंट अच्छा तो अच्छा हो गया। कोराम जी, शी इज टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म इन इस्लाम, हम चेंज हो रहे हैं, हम चेंज दिखाई दे रहा है, यू कैन नॉट चेंज। आप जैसे ही चेंज करोगे इस्लाम को, यू विल बी द फर्स्ट वन टू गो इनसाइड फॉर ब्लास्फेमी लॉ के तहत इनको अंदर कर दिया जाएगा। वाइल्ड फायर जी, इस्लाम कैन नॉट चेंज, मुस्लिम्स आर चेंजिंग, वो आपके सामने है। आई मीन आई एम सीइंग अ रिफॉर्मड मुस्लिम हियर राइट हियर, सबरीन जी, वेरी रिफॉर्मड भी रिफॉर्मिस्ट किया है, रिफॉर्मड मुस्लिम हम देख रहे हैं। एक्चुअल इस्लाम को अगर देखेंगे तो जो आज ये बगदाद में तालिबान जो कर रहा है वो है। अब सुब्रीन जी आप इसमें बताइए, तालिबान में क्या फैमिली वैल्यू है, क्या है, और तालिबान ऐसा क्या चीज किया है जो मोहम्मद ने नहीं किया जी? आईएसआई जो तालिबान जो कर रहे हैं वो एक्चुअल इस्लाम है, और आप इस्लाम के हिसाब से मुर्तदी हैं और कुछ नहीं है। तलजीना जी, मुझे ये पूछना था 57 कंट्रीज में विच वन इज द ट्रू इस्लामिक कंट्री, मतलब विच कौन सा इस्लाम फॉलो करता है? पूरे तरीके से कोई भी शरिया नहीं फॉलो करता है, ये तो गलत बात है ना। How can they call themselves Islamic country? Like for example, एक तो एक example मुझे याद है कि जहाँ पर रसूल ने कहा था कि अगर कोई एक अंडा रोप वो छोटी सी छोटी चीजें भी क्यों ना चोरी करे उसका हाथ काट सकते, एक धर्म या तीन धर्म तक उसका हाथ काट सकते। लेकिन अगर आप अभी देखें वहां पर शरिया लॉ में क्या है कि एटलीस्ट वो चोरी, मैं इंडियन रुपीज के हिसाब से बोल रही हूँ, 16 लाख की होनी चाहिए तभी हाथ काटा जाता है। तो ये फुल्ली फॉर्म से ट्रूली ये नहीं है इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये ट्रूली शरिया को नहीं फॉलो करते। सो देयर इज नो कंट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड दैट फॉलोस एंटायर शरिया व्हाइल प्रोक्लेमिंग दैट इस्लाम इज द ट्रूएस्ट रिलीजन एंड ऑल द रूल्स आर कमिंग फ्रॉम इस्लाम। और जिस इस्लाम को मैडम डिफेंड कर रही है, जिस इस्लाम को सबरीना मैडम आप डिफेंड कर रहे हो, वो इस्लाम आपको मुसलमान ही नहीं मान रहा है। बिल्कुल, अरब में देखिए कितने मुस्लिम छोड़ के जा रहे हैं। एक और पॉइंट था इनका जो गेस्ट है उनका कि फैमिली डिप्रेशन में नहीं जाती, हमारी फैमिली वैल्यूज है। मैम अरब कंट्रीज में कितने मुस्लिम फैमिलीज हैं जो शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं? नन ऑफ देम, दैट इज नॉट इस्लामिक कल्चर, दे डोंट स्टे विद देयर फैमिली, दे डोंट स्टे विद देयर पेरेंट्स, दैट इज दिस भारतीय कल्चर, दैट इज दिस भारतीय कल्चर। आप शादी होने के बाद आप माँ बाप रिटायर होते हैं तब उनका ध्यान रखते हो क्योंकि वो बचपन में आपका ध्यान रखते हैं। इट इज नॉट अबाउट गिव एंड टेक रिलेशनशिप, दैट इज द बॉन्ड, दैट इज द कल्चर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। शी इज टॉकिंग अबाउट बाई फैमिली वैल्यूज, व्हाट फैमिली वैल्यूज, दे डोंट हैव फैमिली वैल्यूज। और मैम इंडिपेंडेंट होने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई चाहता है कि वो अपने फैमिली से अलग रहे इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे फैमिली से रिश्ता तोड़ दे रहे। He just wants to be an independent person जो अपना पैसे से अलग रह रहे। तंजिला जी, एक और इश्यू है डोमेस्टिक, ये घर में जो काम वाले रखते हैं इंडोनेशियंस ज्यादातर, नहीं ये जो स्लेव मेड्स रखते हैं ज्यादातर इंडोनेशियंस होते हैं। सऊदी में कितने केसेस हैं उनके बच्चों ने उनके साथ रेप किया? जीरो केसेस रिपोर्ट होते हैं क्योंकि रिपोर्ट नहीं किए जाते। आपको यूट्यूब पे भरमार मिल जाएगी जहाँ पे बताया जाए कि मुझे यहाँ से खरीदा गया वहाँ बेचा गया। हाँ। उनके शेख के बच्चों ने मुझे रेप किया, उनके शेख के बच्चों ने रेप किया,
तब आपकी फैमिली वैल्यूज कहाँ जाती है, कहाँ जाती है फैमिली वैल्यूज जब जब नहीं रुकिए कहाँ जाती है आपकी फैमिली वैल्यूज, रुकिए रुकिए एक मिनट फैमिली वैल्यूज कहाँ जाते हैं जब मक्का मदीना पे एक औरत उस पत्थर को चूमने जाती है जिसको पत्थर ए अश्वेत बोला जाता है, तब वहां पे सारे मर्दों की भीड़ आ जाती है जो लोकल सऊदी लड़के होते हैं, तब फैमिली वैल्यूज कहाँ जाती है मैम? ये मक्का में भी एक लड़की ग्रोप हो सकती है, सेक्सुअली मोलेस्ट हो सकती है, मक्के में भी होते हैं ग्रोपिंग केसेस, बहुत है, बहुत होते हैं। दुबई के प्रिंसेस की जो डॉटर है वो भाग के जा रही थी, उसे इंडियन नेवी ने पकड़ के उसको हैंडओवर किया, उनकी स्टोरी पूरी सुनी है, शी इज नॉट हैविंग हर फ्रीडम, शी बीन प्रिजंड, शी इज अ प्रिंसेस ऑफ दुबई। आपको पता है कि ड्रग्स में कितने मुलव्वस है ओमान वगैरह में? सर दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट की ईरान में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल, तो इस्लामिक कंट्री और शरिया लॉ है। तो पॉइंट ये है कि असल इस्लाम इज वेरी आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, कि जिसमें जो शादी है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। यू टेल मी दैट आई एम ब्रिंगिंग माय वाइफ थ्रू इस्लाम एज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट मींस मैं अपने बॉस के पास गया, उसने बोला साइन करो पेपर, ठीक है भाई यू आर नाउ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक साल के बाद तल्लाक 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 डन भाई, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी। सो दैट इज हाउ इनह्यूमन इट इज, लाइक देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी इमोशनल बॉन्डिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज, नॉट इवन अ सिंगल इमोशनल बॉन्डिंग है यहाँ पर कि एक मैरिज में, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक वुमन शुड बी रेडी टू स्पीक। वंदना तिवारी, हेलो, शी इज नॉट देयर। मैरिज, आप मैरिज कॉन्सेप्ट छोड़िए, मैरिज वर्ड भी इस्लाम में गलत, जो दिखाई देती है वो देख रहा हूँ मैं। एक औरत है बुरखे में ऊपर से नीचे पैक है और उसका हस्बैंड है वो खुले में जीन्स टी शर्ट पहन के बढ़िया से अपने पॉप ये क्या नाम है हिप हॉप कट करा के बढ़िया घूम रहा है एंड शी इज ऑलमोस्ट कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो इस्लाम इस पे लागू नहीं होता लड़के पे, वो औरत पे लागू होता है। जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन यू कैन मोलेस्ट हर, यू कैन यू नो पैक हर विद रैप हर विद अ बुरखा, इज दैट जस्टिफाइड इन एनी सेंस? नन टू मी। टुडे आई वेंट टू, मैं मेरे बच्चों को मॉल लेके गया, गेम्स खेल रहे थे वहां पर, देख के आज लाइक शॉक यार, दे वांट टू एंजॉय लाइफ, दे हैव राइट टू एंजॉय लाइफ जस्ट बिकॉज़ दे आर वुमेन बोर्न इन। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल, खुदा हाफिज़।